नमस्कार दोस्तों, एक जनसार्थी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं एज ए बिगिनर, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम के लिए बेस्ट बुक्स कौन सी होती है, नोट्स आपको कौन से कोचिंग के लेने चाहिए, इसके अलावा आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल कहाँ मिलेगा, करंट अफेयर्स के लिए आपको स्टडी मटेरियल कौन सा फॉलो करना चाहिए, इसके अलावा जो करंट इवेंट्स के लिए आपको कौन से ऑनलाइन सोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन से एडिटोरियल्स आपको फॉलो करने चाहिए, इसके अलावा अगर आप हिंदी या इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपको कौन से नोट्स बेस्ट रहेंगे, कौन सी कोचिंग के नोट्स आपके लिए बेस्ट रहेंगे, कौन सी करंट अफेयर्स की जो मैगजीन्स है वो बेस्ट रहेगी, ये सब जानने के लिए आप वीडियो के साथ बने रहिएगा और वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही वे में समझ में आए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ऐसी ही उपयोगी वीडियोज़ मिलते रहें। दोस्तों, बात करते हैं बेस्ट बुक्स फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज या आप यूँ भी कह सकते हैं आईएएस एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये हमारा एग्ज़ाम सारथी का ब्लॉग है, तो यहाँ पर आप जाकर के यूपीएससी से रिलेटेड या अन्य एग्ज़ाम से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो भी पढ़ सकते हैं, बेस्ट बुक्स वगैरह एग्ज़ाम के बारे में कम्प्लीट डिटेल में यहाँ पर आपको जानकारी प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ मैगजीन्स वगैरह भी यहाँ पर अपडेट होती रहती है, डिजिटल बुक्स नोट्स भी यहाँ पर अपडेट होते रहते हैं, तो आप विजिट करते रहिएगा या फिर आप हमारे ब्लॉग को यहाँ से सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो आप ब्लॉग को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही कोई भी आर्टिकल अपडेट होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो ऑल इंडिया रैंक 77 है उनके द्वारा जो यूपीएससी की उनकी खुद की जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है वो डिस्कस की गई है, इसके अलावा उन्होंने कौन कौन से सोर्सेज से जो है अपनी पढ़ाई की और ऑल इंडिया रैंक 77 यानी कि आईएएस की रैंक में चले जाना यानी बहुत ही अच्छी रैंक कही जा सकती है इन्होंने कैसे प्राप्त की, पूरी इनकी कहानी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, इनकी स्ट्रेटजी इनका प्लान पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बुक्स वगैरह इन्होंने जो बेस्ट बुक्स बताई है, अपने हिसाब से नोट्स बताए हैं जो इन्होंने यूज किए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने डिस्कस की है। इसके अलावा जो अन्य जो टॉपर्स हैं उनके एक्सपीरियंस के आधार पर भी हमने इस आर्टिकल में आपके लिए बेस्ट बुक्स और नोट्स जो है वो शामिल किए हैं। यहाँ पर आप बुक्स जो हैं ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, ये भी यहाँ पर आपको सुविधा दी गई है, इस आर्टिकल पर जाकर के आप बाय कर सकते हैं अमेज़ॉन से। इसके अलावा आपको व्हाट्सएप का एक नंबर यहाँ इस आर्टिकल में मिलेगा जहाँ पर कि आप अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं और जो भी नोट्स और जो भी बुक आपको डिजिटल फॉर्मेट में चाहिए या करंट अफेयर्स के लिए कोई भी मैगजीन जैसे कि पीडी है या फिर आपकी योजना है, कुरुक्षेत्र है, इनमें से कोई भी आपको डिजिटल फॉर्मेट में चाहिए तो आप उस व्हाट्सएप नंबर पे अपना मैसेज करें और आपको उसके हिसाब से आपको बुक डिजिटल फॉर्मेट में प्रोवाइड करवाई जाएगी। अब बात करते हैं कि जो एग्ज़ाम सारथी के द्वारा रिकमेंडेड की जाने वाली बुक्स और नोट्स हैं वो भी इस आर्टिकल में आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं। GS1 के लिए हिस्ट्री के लिए आप न्यू NCERT क्लासिक से 12th देख सकते हैं, इसके अलावा फ्री फ्रीडम स्ट्रगल के लिए स्पेक्ट्रम, पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए आप नितिन सागवान के नोट्स ले सकते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए विजन IAS के नोट्स, इसके अलावा GS1 आर्ट एंड कल्चर के लिए आप NCERT क्लास 11th है इंडियन आर्ट्स के लिए, इसके अलावा इंडियन आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया है, ओल्ड NCERT है एनिशियंट और मिडिवल इंडिया के लिए क्लास 11th। अब GS1 जियोग्राफी के लिए, ये GS1 में जो आपके सब्जेक्ट हैं उनके लिए बता रहे हैं, न्यू NCERT क्लास 6 से लेके 12th। इसके अलावा जियोग्राफी वीडियोज बाय मिस्टर रजत अनिल है मृणाल के, ये भी आप गो थ्रू हो सकते हैं। इसके अलावा सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन जियोग्राफी बाय GC लॉन्ग है, PMF IAS है, एटलस है। इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस एग्जाम सारथी पर जो है हमने शुरू किए हैं वो आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। GS1 में आप इन सभी टॉपिक्स के लिए
विजन आईएएस करंट अफेयर्स का मटेरियल टेस्ट सीरीज़ देख सकते हैं। हमारी जो टेस्ट सीरीज़ चलती है वो भी देख सकते हैं आप, वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध करवाई जाएगी। जीएसटू जो है इसके कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी के लिए आप न्यू एनसीईआरटी क्लासिक से लेके 12 देख सकते हैं, लक्ष्मीकांत ले सकते हैं पॉलिटी के लिए। इसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए ये चीज़ तो आप हर एक स्टेज के लिए आपके लिए सही रहेगी, एडिटोरियल्स, विजन आईएएस, पीआईबी और पीआरएस। इसके अलावा आप लोकल गवर्नेंस के लिए सेकेंड एआरसी सिक्स रिपोर्ट देख सकते हैं, विजन आईएएस के नोट्स, प्रेशर ग्रुप एनजीओस वगैरह के लिए। इसके अलावा जीएसटू गवर्नेंस के लिए आप सेकेंड एआरसी रिपोर्ट 1, 4, 9, 10, 11 और 12 देख सकते हैं। विजन आईएएस के आप नोट्स भी गो थ्रू कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए वही हैं, एडिटोरियल, विजन आईएएस, पीआईबी और पीआरएस। अब करते हैं जीएसटू की बात, सोशल जस्टिस, ये सारे जो टॉपिक हैं, इंटरवेंशन, वेलफेयर स्कीम, बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन, वल्नरेबल सेक्शन, ये इन सब टॉपिक्स के लिए आप जो विजन आईएएस का जो मटेरियल है वो देख सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए वही सारी चीज़ें हैं। नीति आयोग के लिए तीन साल का जो एजेंडा एक्शन है वो आप देख सकते हैं। बजट और इकोनॉमिक सर्वे कर सक के बारे में आप गो थ्रू हो सकते हैं। ये आपके जीएसटू की बात हो गई। जीएसटू में आईआर के लिए आपको विजन आईएएस का जो करंट अफेयर्स का मटेरियल है, एडिटोरियल्स है, एक्सटर्नल मिनिस्ट्री की जो है एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं। GS3 इकोनॉमी के लिए आप NCERT क्लास 9 से लेके 12th, इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी बाय संजीव वर्मा, करंट अफेयर्स के लिए वही सब है, एडिटोरियल, विजन आईएएस, पीआईबी, पीआरएस, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे की समरीज के गो थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन वेबसाइट लाइक इन्वेस्टोपीडिया और अर्थपीडिया से गो थ्रू हो सकते हैं। GS3 एनवायरमेंट की अगर बात करें तो GS3 एनवायरमेंट के लिए आप NCERT बायोलॉजी क्लास 12 लास्ट 4 चैप्टर, शंकर आईएएस एनवायरमेंट के लिए। इसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए वही 4 चीज़ें हैं, PM IAS। अब GS3 इंटरनल सिक्योरिटी की अगर बात करें तो इंटरनल सिक्योरिटी डिजास्टर मैनेजमेंट बाय अशोक शर्मा एंड विपुल, अशोक कुमार एंड विपुल के थ्रू जा सकते हैं। करंट अफेयर्स वही विजन आईएएस एडिटोरियल है। GS3 डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आप सेकेंड ARC थर्ड रिपोर्ट क्राइसिस मैनेजमेंट के थ्रू जा सकते हैं। इसके अलावा NDA में गाइडलाइंस है, करंट अफेयर्स के लिए विजन आईएएस आप जा सकते हैं। GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दोस्तों यहाँ पर जो अलग अलग पेपर हैं मेंस के उनके बारे में आपको हम बता रहे हैं कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए कौन सा मटेरियल आपके लिए बेस्ट रहेगा। विजन आईएएस का मटेरियल आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए एडिटोरियल्स है। इसके अलावा GS4 एथिक्स के लिए आपको सेकेंड ARC फोर्थ रिपोर्ट एथिक्स इन गवर्नेंस के लिए, सेकेंड ARC 12th रिपोर्ट सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, इसके अलावा लेक्सिकॉन फॉर एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड बाय क्रॉनिकल के थ्रू जा सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए आप बेसिक बुक्स जो ऊपर आर्टिकल्स में बताई गई है, इसके अलावा विजन आईएएस PT65 और एनी कंपाइलेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम और प्रीवियस ईयर के पेपर्स आप प्रीलिम्स के लिए देख सकते हैं। तो प्रीलिम्स के लिए बेसिक बुक्स हमने बताई है जो कि आप इस आर्टिकल में ऊपर पढ़ सकते हैं। जब आप इस आर्टिकल पर विजिट करेंगे तो आपको जो टॉपर्स के द्वारा बताई गई बेस्ट बुक्स हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए वो आपको देखने को मिलेगी। तो वहाँ से आप ये सारी चीज़ें आराम से पढ़ सकते हैं, वहाँ से आप उनको ऑर्डर करके मंगवा भी सकते हैं घर बैठे ही। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।